सिमुलेशन इज मोर लाइक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते आ रहे हो काफ़ी पहले से मैथमेटिक्स में. पास्ट में क्या क्या होता आया है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी प्रिडिक्ट द फ्यूचर. हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी और ये होने की चांसेस कितने. करेक्ट. वैसा ही कुछ हम सिमुलेशन में भी करते हैं. वी सी कि पास्ट में 10 बार ऐसा हुआ है, 15 बार ऐसा हुआ है, सो दिस टाइम क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं. मान लीजिए यहीं पर इफ वी अप्लाई द सिमुलेशन, सो व्हाट वी कैन डू, पास्ट में 10 बार जब भी फ्रेश टीचर्स आए, फ्रेश बैचेस अनाउंस हुए हैं, तो रिस्पॉन्स हैज कम लाइक दिस. एक बैच में 6 बच्चे आए थे, सेकेंड टाइम इट वॉज 10, थर्ड टाइम इट वॉज 15, नेक्स्ट टाइम इट वॉज 5, ऐसे करके अलग 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 मेरे पास में रिकॉर्ड है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है. वेन एवर वी स्टार्ट अ बैच तो बच्चे इतने होते हैं या वॉट एवर. सो नाउ वी कैन प्रिडिक्ट कि अब अगर मुझे नया बैच यहाँ पर स्टार्ट करना है तो एंड आई हैव टू इंश्योर द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. क्या नया बैच स्टार्ट करना है यहाँ पर इकोनॉमिकली वाइबल होगा भी या नहीं. सो वॉट वी कैन डू इज मैं अपना सिमुलेशन लगा के मैं प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड अपना फिगर निकाल सकती हूँ. पास्ट में इतना इतना हुआ है तो ऑन एन एवरेज मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इस बार कितना होगा. इट्स नॉट दैट इजी लाइक दिस. देर आर पर्टिकुलर स्टेप्स विच गोज ऑन बट द बेसिक बिहाइंड इज द सेम. हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट में जो जो भी हमारे साथ हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. फ्यूचर में क्या हो सकता है. नेक्स्ट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. आप लोगों ने की कॉन्स्ट्रेंट पढ़ा है, लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर, कभी सुना है? नहीं. इट वॉज इन मार्जिनल कॉस्टिंग, ज्यादा डिटेल में नहीं था IPCC में, केवल डेफिनेशन ही थी. फाइनल में आपको काफी डिटेल में आएगा. व्हाट हैपेंस, मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं आपको बोलूं कि एक यूनिट अगर मैं बनाती हूं तो एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 मशीन आवर्स लगते हैं. व्हाट एवर प्रोडक्ट आई एम मेकिंग, से आई एम मेकिंग सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेयर, मैं कोई चेयर बना रही हूँ, उस चेयर को बनाने के लिए मुझे 10 मशीन आवर्स लगते हैं ऑफ एनी डिपार्टमेंट. उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दिया गया है आपको कि दैट डिपार्टमेंट हैज ओनली 500 अवेलेबल मशीन आवर्स. मैक्सिमम 500 घंटा ही उस डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता है, मशीन आवर्स उतना ही हो सकता है. अब अगर मान लीजिए एक्सटर्नल डिमांड, मेरी एक्सटर्नल डिमांड इज ऑफ 100 यूनिट्स. अगर मैं बना पाई 100 यूनिट्स तो पूरे के पूरे 100 चेयर्स मेरी बिक जाएंगी. बट इज इट एक्चुअली फीजिबल फॉर मी टू मेक? क्यों बोलिए? यस, बिकॉज वी हैव ओनली 500 आवर्स और एक चेयर को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं. सो दैट मीन्स मैं कितनी भी कोशिश करूं आई कैन नॉट मेक मोर देन 50 चेयर्स. ओके, सो दिस मशीन आज इज लिमिटिंग माई प्रोडक्शन. ये मेरे परफॉर्मेंस को, मेरे प्रोडक्शन को लिमिट कर रहा है. इट्स डिफाइनिंग माई प्रोडक्शन. सो वी से दैट ओवर हियर इस डिपार्टमेंट के मशीन आज आर द लिमिटिंग फैक्टर और द की फैक्टर. जहां पर शॉर्टेज है, मुझे रिक्वायरमेंट ज्यादा है बट अवेलेबिलिटी कम है. सो अवेलेबिलिटी अगर कम है तो मुझे उस कम अवेलेबिलिटी को बेस्ट तरह से यूज करना है. मान लीजिए यहां तो हमने एक ही लिया एग्जाम्पल की एक चेयर ही बनाते हैं. अगर दो ऑप्शन होगी, एक चेयर अगर मैं बनाऊं तो 10 घंटे लगते हैं, अगर एक टेबल बनाऊं तो मुझे 15 घंटे लगते हैं. नाउ आई हैव ओनली 500 आवर्स. क्या बनाना चाहिए मुझे इन 500 आवर्स में, टेबल या चेयर? सो वील सी टेबल या चेयर में से कौन सा आपको ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है. जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसको ज्यादा बनाओ. एक घंटे में जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, नॉट पर यूनिट, एक घंटे में. मान लो अगर इसमें मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है टेबल में 150, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, जबकि यहां पर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 120. अब वैसे तो देखा जाए तो टेबल में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है तो मुझे टेबल ज्यादा बनाना चाहिए. करेक्ट. टेबल ज्यादा बनाऊंगी तो कितने टेबल्स बन पाएंगे इन 500 आवर्स? मैं कितने टेबल बना पाऊंगी, लगभग 33 और समथिंग. इतने टेबल्स बनेंगे, 33 टेबल्स में कितना कंट्रीब्यूशन मुझे मिलेगा एक टेबल पे 150? 5000.
5000 रुपीस का मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा. अब अगर मैं यही 500 घंटे में चेयर बनाने जाऊं तो आई कैन मेक 50 चेयर्स. 50 चेयर में बना सकती हूँ, एक चेयर में 10 घंटे लगते हैं तो 50 चेयर्स मेरी बन सकती है. इस पे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 6000. सो विच वॉज बेटर, चेयर बनाना चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे अगर डिसीजन लें तो टेबल बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो चेयर बनाना चाहिए. सो इन दिस केस जब भी लिमिटिंग फैक्टर होता है, हम डिसीजन कभी भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे नहीं लेते. अवर डिसीजन इज बेस्ड ऑलवेज ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर. मतलब क्या? हमारा की फैक्टर था मशीन आवर्स, दिस वॉज द लिमिटिंग फैक्टर. हम निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आवर. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, अवर डिसीजन विल बी फोकस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, दैट इज पर मशीन आवर. 150 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है फॉर 15 मशीन आवर्स, तो एक घंटे में इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 10 रुपीज. ओके, यहां पर 120 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 10 घंटे जब काम करोगे तो, तो दैट मीन्स पर आवर माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12 रुपीज. नाउ आई हैव लिमिटेड आवर्स. एक घंटा अगर काम करती हूँ तो टेबल से तो 10 रुपए मिलेगा, चेयर बनाऊंगी तो 12 रुपए मिलेगा. तो एक घंटे में ज्यादा मुझे चेयर दे रही है ना, और मेरे पास घंटों की कमी है, तो उन घंटों में मुझे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए. सो आई विल गो फॉर दिस. आया समझ में? दिस इज की फैक्टर. अब यहां पर तो एक ही की फैक्टर था तो हमने इजीली बता दिया. इसी क्वेश्चन में डस्टर, इसी क्वेश्चन में अगर हम और चेंज करें, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास, अगर मैं टेबल बनाती हूं तो एक टेबल में 15 मशीन आवर्स लगते हैं प्लस 2 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, और अगर चेयर बनाती हूं तो एक यूनिट में 10 मशीन आवर्स लगते हैं प्लस 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल लगता है. ओके, एंड नाउ द कंडीशंस आर गिवन दैट आई हैव लिमिटेड 500 मशीन आवर्स एंड आई हैव लिमिटेड 50 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल. दो तरह की लिमिटेशन है मेरे पास, सिर्फ एक नहीं, दो तरह की लिमिटेशन है. अब जब दो तरह की लिमिटेशन है तो कैसे फाइंड करें किसको हम बेसिस माने? अगर एक लिमिटेशन थी तब तो हमने देखा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर लेके हमने फाइंड कर लिया. नाउ आई हैव टू कॉन्स्ट्रेंट्स, दो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं. इन सच केसेस व्हाट वी डू इज वी टेक वेरिएबल्स. हम इसको एक्स मानेंगे, एक को वाई मानेंगे, एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यूज यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग. हम इस टेक्निक को यूज करके फाइंड करते हैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, कितना टेबल बनाए कितना चेयर बनाए. सो वेर एवर वी हैव मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर वी अराइव एट अवर सॉल्यूशंस यूजिंग LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ओके, देन कम्स लीनियर लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व भी शायद आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई गेस यू हैव स्टडीड इन SM, शायद पढ़ा हुआ है. पढ़ा हुआ है क्या होता है? करेक्ट. जैसे जैसे वर्कर्स एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं उनका टाइम कंज्यूम कम होता जाता है. सपोज इफ आई टेक माई सेल्फ, मैंने पहला बैच लिया था 2011 में. सो एट दैट टाइम आई वॉज टोटली अ फ्रेशर, आई जस्ट गेव माई एग्जाम, आई स्टार्टेड टीचिंग. 2011 में जो फर्स्ट बैच मैंने लिया होगा उसमें जो क्वालिटी दी होगी या उसमें जितना टाइम मुझे लगा होगा, डू यू थिंक उतना ही टाइम मुझे नेक्स्ट बैच में भी लगेगा या आज भी लगेगा? नहीं. IPCC बैच शायद मेरे 3-3 महीने के चल जाते थे उस टाइम, बिकॉज आई डिडंट नो कितना रिलेवेंट है कितना नहीं है, किसको कितना डिटेल में स्ट्रेच करना है. नाउ आई नो एवरीथिंग, सो नाउ आई कैन लिमिट माई सेल्फ टू दैट पर्टिक्यूलर पॉइंट्स. मेरा टाइम कंज्यूम कम हो जाता है. प्लस व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, मुझे समझाने में बच्चों को जरूरी नहीं है कि हर चीज एक ही बार में समझ आ जाती थी. लाइक आई स्टिल रिमेंबर प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने 3 बार पढ़ाया था, बिकॉज फर्स्टली पढ़ाया तो मुझे ही समझ में आ गया कि किसी को कुछ पता नहीं चला. शक्ल ही बता देती है. लाइक अभी आप लोग बैठे हो तो यू आर इंजॉइंग, और एटलीस्ट यू आर ओवर हियर, यू आर प्रेजेंट ओवर हियर. अदरवाइज बच्चों की शक्ल बता देती है कि उनको कुछ समझ आ नहीं रहा है, बाहर जाने की इच्छा हो रही है. सो
दैट हैपेंड, देन अगेन आई टू प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर भी मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और बच्चों को भी शायद नहीं हुआ. देन अगेन एट रिविजन टाइम आई अगेन टुक प्रोसेस कॉस्टिंग, तब जाके उन लोगों को समझ में आया था. अब ऐसा नहीं होता है, नाउ इफ आई टीच तो एक ही बार में समझ में आता है, बिकॉज आई नो वॉट एग्जाम्पल्स कैन नाउ स्ट्राइक. इट इज द एक्सपीरियंस जिससे मुझे पता चला है कि किस तरह से बताऊंगी, कौन सी चीज को पहले कौन सी चीज को बाद में, तो बच्चों को समझ में आएगा. सो दिस हैपन्स विद वर्कर्स ऑल्सो, जो रूटीन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहली बार जब प्रोडक्शन करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, दूसरी बार जब प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली उससे कम टाइम ही लगेगा. इन द अर्ली टाइम्स दे विल बी इन द लर्निंग फेजेस, वो सीख रहे हैं प्रोड्यूस करना, तो कई सारी नई चीजों को वो एक्सप्लोर करेंगे, कई सारी गलतियां करेंगे. ग्रेजुअली व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग, व्हेन दे स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस, उनका टाइम कंज्यूम विल बी रिड्यूस्ड, धीरे धीरे करके वो टाइम कम होता जाएगा. दैट इज वॉट वी हैव टू स्टडी इन लर्निंग कर्व. फोर्थ टाइम प्रोडक्शन हो रहा है, फिफ्थ टाइम प्रोडक्शन हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा हमारे यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमारे कॉस्ट चलते हैं. ओके, सो मेनली वी हैव ऑल दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना हो. नाउ वन थिंग इज लेफ्ट विच इज माई इंट्रोडक्शन. यस, ओके, सो आई एम अवनी काबरा, आई एम अ सी ए माई सेल्फ. आई हैड क्लियर्ड माई एग्जाम इन मे 2011. And since then I am into teaching. I am mostly teaching costing only. Sometimes accounts, just kabhi kabhi jab man ho jata hai to. Otherwise I am more inclined towards costing. So I teach at IPCC as well as CA final level. I was earlier into Bhopal. I am not from Mumbai. I am married over here. So over there I started with teaching. Then I was married. Then for some time I was associated with Tayal sir, then I was on maternity leave, and then I started with my own coaching institute in Kandivali East, plus I'm taking over here CA final costing. Okay, so this was something very short about me. We'll learn more about each other gradually. Today we'll start with a topic which is activity based costing. Very interesting and very scoring. ABC start karne ke pehle, I'll just like to recall what you have already learned in overheads. Aapne dekha वैसे तो mostly सारे topics आप पढ़ चुके हो, except for a few. QT is definitely new, but costing के लगभग सारे topics आप पढ़ चुके हो, ट्रांसफर प्राइसिंग या एबीसी को छोड़कर. सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव रेड इन आईपीसीसी एंड व्हाट यू हैव रेड इन फाइनल? देयर इज वास्ट डिफरेंस. अगर आपको ध्यान है तो कॉस्टिंग जब आपने शुरू में पढ़ा था इन आईपीसीसी, यू हैव रेड देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग. व्हाई आर यू स्टडिंग कॉस्टिंग? बिकॉज ऑफ टू मेन थिंग्स. फर्स्ट इज टू असर्टेन कॉस्ट. वॉट एवर प्रोडक्शन यू आर डूइंग, वॉट एवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, उसका कॉस्ट असर्टेन करना, दैट वॉज द फर्स्ट इंटेंशन ऑफ स्टडिंग कॉस्टिंग. कितना कॉस्ट लग रहा है, अगर मुझे मार्कर सेल आउट करना है तो मुझे पता होना चाहिए इस पर कितना कॉस्ट इनकर किया जा रहा है. सो आई हैव टू असर्टेन दैट कॉस्ट. वो कॉस्ट कैसे पता करूंगी? वो हमें कॉस्टिंग बताता है. यू विल यूज मार्जिनल कॉस्टिंग और यू विल यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वॉट एवर यू विल यूज. कैसे मटीरियल कॉस्ट निकालोगे, लेबर कॉस्ट निकालोगे, कैसे ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करोगे, ऑल दैट यू हैव रेड इन योर आईपीसीसी, हाउ टू असर्टेन द कॉस्ट. द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव वॉज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस भी आते थे, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन. सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव है कॉस्टिंग पढ़ने का, कॉस्ट को कंट्रोल करना और रिड्यूस करना. आईपीसीसी लेवल पे योर सिलेबस वॉज मोर ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. आपने ज्यादातर जगह पर कॉस्ट फाइंड आउट करना ही सीखा है, वेदर इट बी मटीरियल और लेबर, ओवरहेड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग, देन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो भी आपके टॉपिक्स थे, यू हैव लर्न मोर टू फाइंड आउट दी कॉस्ट, टू कैलकुलेट दी कॉस्ट. कहीं कहीं पर ही आपने सीखा है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. बहुत कम जगह पर आपको डिसीजन लेने के लिए आता था, डिसीजन मेकिंग आती थी. Some places you have definitely read, जैसे material में EOQ जो हमने पढ़ा था. EOQ is a method to reduce cost, जहां पर आपका cost minimize हो सके, वो point होता है EOQ. So at some places you have read how to reduce the cost,
But mostly what you have read is just to ascertain the cost. At CA final level, at some places we will read to ascertain cost. कुछ नए जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम पढ़ेंगे हाउ टू असर्टेन द कॉस्ट. या पुराने टॉपिक्स में भी जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है असर्टेनमेंट, वो अभी भी आएगा. प्लस द मेन पोर्शन इज कॉस्ट रिडक्शन. हाउ विल यू रिड्यूस द कॉस्ट? सो फाइनल लेवल पे कॉस्टिंग वुड बी मोर फोकस्ड ऑन डिसीशन मेकिंग. यू विल हैव टू टेक डिसीशन, सच डिसीशन दैट विल मिनिमाइज योर कॉस्ट और विल मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स. वैसे डिसीशन आपको लेने होंगे. तो हमारा मेन जो पढ़ने का अप्रोच होगा दैट विल चेंज. नाउ इट्स नॉट ओनली कि क्वेश्चन में ये दिया है तो हमें ये करना है. नाउ वी विल हैव टू रन आवर माइंड कैसे हम और क्या क्या कर सकते हैं. बनिया बुद्धि लगानी पड़ेगी अब हमें. बनिया बुद्धि समझते हो ना? बनिए कभी भी खर्च नहीं कर सकते. मैं भी बनिया हूं. वी कैन नॉट स्पेंड मच. बहुत सोच समझ के हम खर्च करते हैं. तो जो भी पढ़ रहे हो ऐसा सोचो कि मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है. एक पैसा भी मैं किसी को ज्यादा नहीं दे सकती. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बनिया है तो एक पैसा किसी को दे नहीं सकते जब तक कि उसने काम नहीं करके दिया तब तक. लाइक दैट वी विल हैव टू थिंक. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ एबीसी लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक ऑन व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड इन ओवरहेड्स. क्योंकि इट्स वेरी मच रिलेटेड और वेरी मच सेम. सिमिलर लाइन्स पे ही एबीसी भी चलता है. ओवरहेड्स में आप पढ़ चुके हो दैट यू हैड सम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Say X, Y and Z. Z was a service department. Rest two were production department. I am assuming that you all know all this. अगर इसमें कुछ ऐसा है जो आप भूल गए हो so just ask me. ये दो हमारे production department थे. Those who are actually producing the product. और सर्विस डिपार्टमेंट विच वॉज हेल्पिंग दीज डिपार्टमेंट विच वॉज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दीज डिपार्टमेंट सो दैट दे कैन डू देयर प्रोडक्शन इफेक्टिवली. नाउ वॉट वी डू वॉज द फर्स्ट पार्ट वॉज एलोकेशन. हम सबसे पहले जो कॉस्ट डायरेक्टली लिंक्ड थे इन तीनों में से किसी भी डिपार्टमेंट पे उनको चार्ज कर देते थे. सम कॉस्ट विच वर डायरेक्टली लिंक्ड टू एक्स, सिर्फ एक्स के ही लिए हमने इनकर किया उसको इधर डाल देंगे. दोज which was specific for Y इधर डाल देंगे and those which was specific for Z इधर डाल देंगे. This was specific allocation, specific cost उनको हमने सीधा जाके चार्ज कर दिया. Then there were some common cost जैसे rent, depreciation. rent तो पूरे premises का होगा जिसमें ये तीनों ही department काम कर रहे हैं. okay, building का depreciation वो building में ये तीनों काम कर रहे हैं तो वो भी तीनों के बीच में बांटा जाना चाहिए. electricity अगेन इफ यू हैव द सेम मीटर फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स तो उसे भी बांटा जाना चाहिए. सो देन देयर विल बी सम कॉमन कॉस्ट जिन्हें हम बांटते थे ऑन एनी रीजनेबल बेसिस. जैसे कि लाइटिंग है तो लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे, देन पावर है तो हॉर्स पावर के बेसिस पे, डिप्रिसिएशन है तो एरिया के सॉरी बुक वैल्यू के बेसिस पे, रेंट है तो एरिया के बेसिस पे. ऑन एनी रीजनेबल बेसिस वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज कॉमन कॉस्ट जिसे हम बोलते थे अपोर्शनमेंट. After allocation, the next step was apportionment, जिसमें common cost को बांटा जाता था. इसको बांटने के बाद we finded out the cost pool. हमें cost pool मिल जाता था. X का total cost कितना, Y का total cost कितना, Z का total cost कितना. This was known as primary distribution. Cost का primary distribution. इसके बाद आता था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और वी कॉल इट एज री अपोर्शनमेंट. ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये सर्विस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है तो ये अपने कॉस्ट को कैसे रिकवर करेगा? नहीं रिकवर कर पाएगा ना. ये तो कस्टमर से डील ही नहीं कर रहा है, ये तो इन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इट्स नॉट डीलिंग डायरेक्टली विद कस्टमर्स. तो इसके कॉस्ट को भी हमें इन्हीं दोनों के बीच में बांटना पड़ेगा. हम सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ही बीच में बांट देते थे सो दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही उनकी रिकवरी करे क्योंकि यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो रिकवरी सारी यही कर रहे हैं. दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड एज री अपोर्शनमेंट. इसके बाद हमें मिल जाता था कॉस्ट पूल आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको फिर हम डिवाइड करते थे बाय द नंबर ऑफ लेबर आवर्स और द नंबर ऑफ मशीन आवर्स जो भी हमारा यूनिट होता था. Suppose if both of these departments are machine oriented,
दे आर मशीन इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. इन दैट केस हमारा कॉस्ट यूनिट, जनरली वी टेक टेक द कॉस्ट यूनिट एज मशीन आर्स ओनली. मोस्टली हमने मशीन आर और लेबर आर ही पढ़ा है, इसके अलावा तो कोई कॉस्ट यूनिट हम यूज ही नहीं करते प्रैक्टिकली. सो वी डिवाइड दैम बाय द कॉस्ट यूनिट्स विच कैन बी मशीन आर्स और लेबर आर्स. इफ वी टेक देम एज मशीन आर्स ओनली फॉर बोथ ऑफ दीज डिपार्टमेंट, सो वॉट वील गेट विल बी कॉस्ट पर मशीन आर. ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. ये जो कॉस्ट पर मशीन आर आया है इसी को ही हम बोलते थे एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट और रिकवरी रेट. मान लीजिए कि एक्स का कॉस्ट पर मशीन आर आया है 10 रुपीज और वाई का आया है 15 रुपीज. फिर हमें दिया होता था कभी कभी क्वेश्चन में कि हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए डिपार्टमेंट एक्स में हमने काम किया 2 घंटा और डिपार्टमेंट वाई में हमने काम किया 4 घंटा. तो अब बताओ उस पर कितना ओवरहेड हम चार्ज करेंगे. आते थे ऐसे क्वेश्चन. तो एक्स के 1 घंटे में हम 10 रुपीज का कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. सो वेन वी आर वर्किंग 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट एक्स, दैट मीन्स फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब हमने 20 रुपीज के ओवरहेड एक्स डिपार्टमेंट में एक्सपेंड किए हैं. सिमिलरली वाई में 1 घंटे में 15 रुपीज लगता है, सो फॉर 4 आवर्स वील चार्ज 60 रुपीज. सो टोटल ओवरहेड हमें उस पर्टिकुलर जॉब से चार्ज करने हैं 80 रुपीज. दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस विच वी डिड. ओवरहेड्स में हम यही सब कुछ करते थे. फिर इन्हीं को हमने और डिटेल में पढ़ा था, रीअपोर्शनमेंट के मेथड्स इन दिस एंड दैट, मशीन आर रेट, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन. ओके, नाउ ओवर हियर आप कई बार पढ़ोगे दिस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिफर्ड एज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. जब भी आप वर्ड पढ़ो ना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, दैट मीन्स इट्स रेफरिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्यों ऐसा? क्योंकि अब जाके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है. बहुत कम अब लोग हैं जो इसको यूज करते हैं. पहले यही ज्यादा यूज होती थी, बट ग्रेजुअली नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग. एज वी ऑल नो इट्स मोर लॉजिकल. हम सब पढ़ चुके हैं मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाती है. सो दैट इज वाई वी जनरली हैव कम थ्रू फ्रॉम एब्जॉर्प्शन टू मार्जिनल. तो हम एब्जॉर्प्शन को अब बोलेंगे हमेशा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग. जहां भी वर्ड आएगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, समझ जाना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ओके, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक बड़ा फ्लॉ था, वो ये था यहां पर हम एक ही कॉस्ट यूनिट यूज कर रहे हैं, मशीन आर्स या लेबर आर्स. वी आर यूजिंग ओनली द आर्स. जबकि कॉस्ट के नेचर्स तो अलग अलग होते हैं, कई तरह के कॉस्ट हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए परचेजिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट. रॉ मटेरियल के परचेज कॉस्ट का मशीन आर से कोई भी लेना देना है? आपने प्रोडक्शन में कितने घंटे लगाए, क्या इसका परचेज ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आप बोलते हो ना, क्या उससे कोई भी लिंकेज है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लिंक्ड विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. आप कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हो. अगर एक्स ने, सपोज एक्स का हमारा एब्जॉर्प्शन रेट तो 10 आया है, एक्स ने मान लीजिए एक ही परचेज ऑर्डर पूरे साल में प्लेस किया, ओनली वन परचेज ऑर्डर इट हैज प्लेस्ड. वाई ने पूरे साल में 100 परचेज ऑर्डर्स प्लेस किए, तो डेफिनेटली परचेजिंग कॉस्ट किसका ज्यादा है? वाई का. परचेज कॉस्ट उसका ज्यादा है. लेकिन हम तो ये देख ही नहीं रहे कि किसने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए. हम क्या देख रहे हैं? किसने कितने घंटे काम किया. जिसने ज्यादा मशीन आर्स काम किया हम उस पर ज्यादा कॉस्ट चार्ज करेंगे, जिसने कम मशीन आर्स काम किया उस पर कम कम कॉस्ट चार्ज करेंगे. इज इट लॉजिकल? क्या काम करना और ऑर्डर प्लेस करना इट्स वन एंड द सेम थिंग? जो ज्यादा घंटे काम करेगा वो ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है. हो सकता है वो एक ही बार में पूरी रिक्वायरमेंट मंगा ले, तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होना चाहिए. इसी तरह से ऐसे कई जगह थी जहां पर हमें ये फील हुआ कि सिर्फ एक कॉमन रेट लेने से, कॉमन यूनिट यूज करने से हम जो रिकवरी रेट्स निकाल रहे हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव. ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं. क्योंकि कुछ तो हमें करना है ना, वरना फिर कॉस्टिंग होगी कैसे? कॉस्टिंग तो करना पड़ेगी. हमें सेलिंग प्राइस अगर डिसाइड करना है तो कॉस्टिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि कॉस्ट में ही मार्जिन ऐड करेंगे. और फिर कॉस्टिंग करने के लिए अगर कोई और तरीका नहीं है तो सम ऑर द अदर वे वी हैव टू यूज. तो हम ये यूज करते आ रहे थे, बट ग्रेजुअली वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज नॉट दैट रिप्रेजेंटेटिव.
इससे आंसर्स गलत हो रहे हैं हमारे. सो फॉर दैट रीजन, क्योंकि हमें पता चला कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है, तो हमने स्टार्ट किया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक नए प्रोसेस का जन्म हुआ जिसे हम कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एज द नेम सजेस्ट, इट्स बेस्ड ऑन एक्टिविटीज. आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो ये उसके ऊपर बेस्ड है.